चलिए हम आज हम ग्रामर वाले सेक्शन में स्टार्ट करते हैं टेंस में, वो भी टेंस के प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होता है, हम इसको कैसे पहचानते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट का मीन्स ही होता है पूर्ण, पूर्ण का मीन्स होता है टू कम्प्लीट। मतलब इस टेंस का क्या पहचान है क्या नहीं है इसको हम देखेंगे। इस टेंस में हिंदी वाक्यों में मेन वर्ब, मेन वर्ब का मीन्स होता है मुख्य क्रिया, मतलब कोई भी कार्य मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, आदि शब्द आते हैं। इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब जो हमारा मेन वर्ब आएगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं इसको पहले मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं इस वीडियो को आप देख लेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। चलिए हम फॉर्मेट को देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। पहला हमारा, पहली बात, कोई भी टेंस हम पढ़ेंगे उसका चार फॉर्मेट हमें पढ़ना पड़ता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए हम पहले फॉर्मेट को देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। इसका क्या रूल है कि इस टेंस में पहले आप सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। वही नियम से यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। और वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं, वह स्कूल गया तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, पुरुष के लिए बात हो वह, और स्त्री के लिए यदि बात होगी तो सी राइट करेंगे, ही। और हमारा जो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। और गोने जाने को गो बोलते हैं, उसका थर्ड फॉर्म गान होता है, गान टू स्कूल मतलब विद्यालय। रमेश और सुरेश खेले हैं, यहाँ खेलने का कार्य कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर खेल चुके हैं या खेले हैं दोनों का मीनिंग सेम है। रमेश एंड सुरेश हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेट। इसके बाद हमारा जो फॉर्मेट है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का सेंटेंस का जो हिंदी वाक्य आते हैं उसमें नहीं या ना शब्द आते हैं। चलिए फॉर्मेट को देखते हैं, पहले आप सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद हैज हैव, और हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आज नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। मैं इस किताब को नहीं पढ़ा हूँ तो मैं या मैंने सब मीनिंग सेम होता है। मैं को आई, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन तो वैसे है लेकिन यहाँ पे प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है इसलिए आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसको नॉट रीड दिस बुक, मतलब इस किताब को। उसके बाद हमारा फॉर्मेट आता है सी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट, जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट प्रश्नवाचक शब्द होता है, इसको यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्टार्टिंग, क्योंकि इसका जवाब हमें यस या नो में दे सकते हैं। जैसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, क्या हम पढ़ चुके हैं, तो यदि हमसे कोई पूछेगा तो हमें उसका जवाब यस में देना होगा या फिर नो में, इसीलिए इसको यस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नहीं शब्द रहेगा तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। क्या हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पढ़ाने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम को इंग्लिश में बी बोलते हैं, और बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, उसी के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग कर देते हैं। टीच का मीन्स पढ़ाना, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे अपने भाई के साथ जा चुके हैं, यहाँ पर जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, वे को पहले वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे के अकॉर्डिंग हम हैव का, हैव द गॉन विद देयर ब्रदर, दे के साथ अपने के लिए देयर, सी के साथ हर, ही के साथ हीच, वी के साथ अवर, आई के साथ माई यूज करते हैं, इसको मैंने पहले बता दिया है। हैव दे गॉन विद देयर ब्रदर्स,
और उसके बाद हमारा आता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए डब्ल्यू एच बोलते हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं, जो क्वेश्चनिंग शब्द होते हैं, उसमें एक उसका जो इंग्लिश होता है उसमें डब्ल्यू एच लेटर मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द आते हैं। तो जो क्वेश्चनिंग शब्द आएंगे हिंदी सेंटेंस में, पहले आप उन्हीं का इंग्लिश राइट करेंगे। रूल जो हमारा फार्मूला है या जो रूल है हमारा, पहले उसी क्वेश्चनिंग वर्ड्स को राइट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, नहीं शब्द रहने पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि नेगेटिव सेंटेंस आएगा क्वेश्चनिंग मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बात करते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप दे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मेरी माता जी भोजन कैसे पकाती है, यहाँ कैसे का पहले आप राइट कर देंगे हाउ, उसके बाद माय मदर, मेरी माता जी को माय मदर, और माय मदर, माय सिस्टर, माय फादर, इन सभी के साथ, इन सभी को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, और सिंगुलर हैज का प्रयोग। उसके बाद कुक का मीन्स पकाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड, और फूड मतलब भोजन। आप अ भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, दोनों राइट है। बस सेंस ये है कि जिस भोजन के बारे में हमें नहीं पता होता है उसके साथ अ लगाते हैं, और जिसके बारे में हमें पता होता है उसके पहले द लगाते हैं। वे बाजार कैसे गए हैं, कैसे गए हैं या मीन्स कैसे जा चुके हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। वे बाजार कैसे गए हैं या कैसे जा चुके हैं, मीनिंग सेम है। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड कैसे का इंग्लिश, कैसे का इंग्लिश क्या होगा हाउ, उसके बाद तुरंत हम सब्जेक्ट पे जाएंगे, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैव, उसके जाने को बोलते हैं गो, उसका थर्ड पॉइंट गॉन टू मार्केट। और इसी सेंटेंस में यदि नहीं शब्द आता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। उसके बाद राम भोजन कब पकाया, राम भोजन कब पकाया है या कब पका चुका है, दोनों का मीनिंग सेम है। सेंटेंस को आप किसी भी अंदाज में बोल सकते हैं। राम भोजन कब पकाया, तो पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है कब, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, और राम के पहले किसका, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब किसी एक का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और कुक, कुक का मीन्स पकाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड, और फूड मतलब भोजन। इन सभी को आप समझ लेंगे, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले इन सभी बातों को रिवीजन कर लीजिए।